जय शिव गुरु। घर का खाना विद आरती देवी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिमीकंद का सब्जी बनाएंगे। जिमीकंद का सब्जी बनाने के लिए 500 ग्राम जिमीकंद लिए हैं। इसे उत्तपन भी बोलते हैं, ओल भी बोलते हैं, जिमीकंद भी बोलते हैं। जिमीकंद का सब्जी बनाने के लिए 5 प्याज लिए हैं मीडियम साइज का, 1 लहसुन लिए हैं, 2 हरा मिर्च लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, 1 छोटा सा नींबू लिए हैं, 1 अदरक लिए हैं, थोड़ा सा धनिया पत्ता है। इन सबको धोकर अच्छा से कट कर लेंगे। जिमीकंद को बनाने से हाथ में खुजली होता है, इसलिए थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लेंगे अच्छे से हाथ में। जिमीकंद को धोने के लिए पानी में नमक रख देंगे तो हाथ में खुजली नहीं होगा। नमक रख दिए हैं, दोनों पानी में नमक रख दिए हैं। अब जिमीकंद को कट करके पानी में धो लेंगे अच्छा से। अब नमक वाला पानी से जिमीकंद को निकाल लेंगे और कुकर में रखेंगे। अब थोड़ा सा पानी रखेंगे। नींबू का पत्ता लिए हैं। ये नींबू का पत्ता नहीं भी रख सकते हैं, ये रख देने से खुशबू आता है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो नहीं भी रख सकते हैं। 1/2 चम्मच नमक रख देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर रख देंगे। ढक्कन लगा देंगे। 1 सीटी लगने देंगे। 1 सीटी लग गया है तो मूंगफली भून लेंगे। मूंगफली हमारा भुना गया है, उसका छिलका हटाकर पाउडर बना लेंगे। प्याज को कट कर लिए हैं। अदरक लहसुन और हरा मिर्च का बारीक पेस्ट बना लिए हैं और टमाटर का भी पेस्ट बना लेंगे। अब कुकर हमारा ठंडा हो गया है, अब खोल लेंगे। अब चेक कर ले रहे हैं, पक गया है। अब सब्जी बना लेंगे और ये नींबू का पत्ता हटा देंगे। अब नींबू का पत्ता रखने से खुशबू अच्छी आती है, इसलिए रख दिए थे। अब जिमीकंद का सब्जी बना लेंगे। सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने देंगे। अब कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। अब थोड़ा सा तेल रखेंगे और इस तरह से चला देंगे। जिमीकंद को फ्राई कर लेंगे। रख दिए हैं, एक साइड से फ्राई हो जाने से धीरे धीरे दूसरा तरफ पलट देंगे इस तरह से, तो फ्राई दोनों तरफ हो जाएगा। दोनों साइड से फ्राई हो गया है, हम निकाल लेंगे। ये बचा है, इसे भी फ्राई कर लेंगे। जिमीकंद को फ्राई कर लिए, अब सब्जी बनाएंगे। सब्जी बनाने के लिए 1/2 चम्मच सरसों का तेल रखेंगे, तेजपत्ता रखेंगे, सूखा लाल मिर्च रखेंगे, 2 लौंग, 1 काला गोलमरीच और 1 दालचीनी रखेंगे। ये छोटी इलायची को इस तरह से रख देंगे खोलकर। ये छोटी इलायची का बीज है, इसमें बड़ी इलायची भी रख सकते हैं। 1/2 चम्मच साबुत जीरा, 1/4 टीस्पून पीला सरसों, 1 पिंच हींग। अब फोरन हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। ये अदरक लहसुन और हरा मिर्च का पेस्ट है बारीक किया हुआ, ये रख देंगे। अब प्याज रखेंगे, चला देंगे। जल्दी भुना जाएगा इसलिए नमक अभी रख दे रहे हैं 1 चम्मच। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही रखिएगा। अब प्याज हमारा भुना गया है, मसाला ऐड करेंगे। ये टमाटर का पेस्ट है, ये रख देंगे। एक चम्मच धनिया पाउडर रखेंगे। ये मूंगफली का पाउडर है, 1 चम्मच मूंगफली पाउडर रखेंगे। 1/4 टीस्पून काला गोलमरीच पाउडर रखेंगे। थोड़ा सा कसूरी मेथी का पत्ता रखेंगे। गैस को लो फ्लेम पर रखेंगे। 1/4 टीस्पून गरम मसाला अभी रखेंगे और थोड़ा सा गरम मसाला बाद में रखेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा पानी रखेंगे और मसाला को 5 मिनट भूनेंगे। अब मसाला हमारा भुना गया है। मसाला से तेल छोड़ देने से मसाला अच्छा से भुना जाता है। अब मसाला भुना गया है, अब इसमें पानी रखेंगे। पहले थोड़ा सा पानी रख के मिक्स कर देंगे। 1/2 मिनट के लिए ढक देंगे। मसाला भुना गया है,
ग्रेवी वाला सब्जी बनाएंगे, इसलिए थोड़ा सा और पानी रख देंगे। अब ढक देंगे, एक उबाल आने देंगे। अब उबाल आ गया है, जिमीकंद को रख देंगे, इस तरह से चला देंगे। अब फिर से ढक देंगे और 5 मिनट पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। 5 मिनट हो गया है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और ऐड कर देंगे। 2 मिनट और पकने देंगे, फिर से ढक देंगे, 2 मिनट पकने देंगे। अब 2 मिनट हो गया है, सब्जी में थोड़ा सा ग्रेवी रखेंगे, फ्लेम गैस को ऑफ कर देंगे। 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर रख देंगे, इस तरह से मिक्स कर देंगे। गैस को बंद कर दिए हैं, धनिया पत्ता से गार्निश कर दिए हैं। अब जिमीकंद का सब्जी हमारा बनकर तैयार हो गया है। नींबू का रस डाल देंगे, एकदम सिंपल और आसान तरीका से बनाए हैं। जिमीकंद का सब्जी बहुत टेस्टी लगता है। आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।